रेनफॉल अगर ज्यादा हो तो फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है, और अगर बहुत ज्यादा कम हो तो वो रीजन ड्राई हो जाता है। बट डू यू नो, किसी भी एरिया में रेनफॉल का कम या ज्यादा होना इस पर डिपेंड करता है कि वहां होने वाले रेनफॉल का टाइप क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। ओरिजिन के बेसिस पर रेनफॉल को तीन मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन एंड साइक्लोनिक रेन। पहले बात करते हैं कन्वेक्शनल रेन के बारे में। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं और ये करंट अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब ये कन्वेक्शन करंट अर्थ के इंटीरियर में ही नहीं, अर्थ के ऊपर भी काम करते हैं। बट कैसे? जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो उसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। वाटर बॉडीज या लैंड सन की रेडिएशन से वार्म हो जाती है, तब इनके ऊपर मौजूद एयर भी वार्म होने लगती है। वार्म एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, जिस वजह से वो लाइट होकर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। वार्म एयर का ऊपर की तरफ राइज होना ही कन्वेक्शन करंट कहलाता है। अब जब ये वार्म एयर ऊपर पहुंचती है तब अपनी हीट को लूज करना शुरू कर देती है, मींस ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से अब इस एयर के मॉलिक्यूल्स भी ठंडे हो जाते हैं, जिससे शुरू होगा प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी भाप का ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलना, जिससे फॉर्मेशन होता है क्यूमुलस क्लाउड्स का। अब जब क्लाउड्स में मौजूद ये ड्रॉपलेट्स काफी हैवी हो जाते हैं और क्लाउड्स इन्हें होल्ड नहीं कर पाते हैं, तब होगा प्रेसिपिटेशन, मींस रेन के फॉर्म में वाटर का दोबारा लैंड पर आना। इस तरह का रेनफॉल काफी हैवी थंडर और लाइटनिंग के साथ होता है, बट बहुत देर तक नहीं। बट इस तरह का रेनफॉल होता कहाँ है? तो इसका आंसर है इक्वेटोरियल रीजन, जहाँ सन की डायरेक्ट रेस पड़ने से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से इन रीजन में इस तरह का रेनफॉल काफी कॉमन है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में भी हमें इस तरह का रेनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर्स का वाटर भी इवेपोरेट करता है या प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिस वजह से एयर में मॉइस्चर आ जाता है और इसका रिजल्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक वर्ल्ड कनेक्टेड है माउंटेन से। इस तरह के रेनफॉल में माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसीलिए इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अभी हमने जाना कि सन के रेडिएशन से लैंड और वाटर बॉडीज दोनों वार्म हो जाते हैं, जिस वजह से शुरू होता है इवेपोरेशन। अब ये वार्म एयर जिसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है वो राइज होना शुरू कर देती है, बट विंड की डायरेक्शन की वजह से एयर का मूवमेंट ऊपर की तरफ ना होकर हॉरिजॉन्टल होता है, जब एयर लैंड की तरफ ब्लो करना शुरू करती है। बट बीच में माउंटेन्स आ जाने की वजह से अब ये विंड ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। हम जानते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसीलिए माउंटेन्स पर टेम्परेचर काफी कम होता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये मॉइस्चर लेडन विंड भी ठंडी हो जाती है, जिसके बाद शुरू होता है कंडेंसेशन और इसके बाद प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। बट ये रेनफॉल माउंटेन के सिर्फ उस साइड पर होगा जहां से विंड ने राइज होना शुरू किया था। माउंटेन के इस साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड और माउंटेन के दूसरे साइड को कहा जाता है लीवर्ड साइड, जहां रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि इस साइड पर पहुंचने तक विंड का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिस वजह से अब ये विंड ड्राई हो जाती है। अब ये ड्राई विंड दोबारा नीचे की तरफ सिंक करती है और नीचे पहुंचने के बाद जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उस एरिया में मौजूद है उसे अपने अंदर लेकर दोबारा से वार्म हो जाती है, बट वहां इतना मॉइस्चर नहीं होता है जिससे लीवर्ड साइड पर रेनफॉल हो सके, और इसी लीवर्ड साइड को जहां बहुत कम या ना के बराबर रेनफॉल होता है कहा जाता है रेन शैडो एरिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया की अरावली रेंजेस। अरेबियन सी से राइज होने वाली मॉइस्चर लेडन विंड जब इस एरिया में पहुंचती है तब यहाँ सिचुएटेड अरावली रेंजेस उन्हें आगे जाने से रोक देती हैं, जिससे अरावली रेंजेस के विंडवर्ड साइड पर रेनफॉल देखने को मिलता है, बट लीवर्ड साइड में रेनफॉल ना होने की वजह से ये रीजन ड्राई रहता है और इसी रीजन में लाए करता है इंडिया का थार डेजर्ट। इसके अलावा इंडिया की वेस्टर्न घाट और हिमालयन रेंजेस भी ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जाम्पल है। इस तरह के रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल भी कहा जाता है। लास्ट इज साइक्लोनिक रेन। इस तरह के रेनफॉल का रीजन होता है साइक्लोनिक एक्टिविटी। बट व्हाट इज साइक्लोन? जब लो प्रेशर जोन के चारों ओर लार्ज स्केल में एयर मास रोटेट करते हैं तो उसे साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ब्लो करती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो ऐसी विंड की जिसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है,
एक है वार्म एयर और दूसरी है कोल्ड एयर, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं। हम जानते हैं कि सन की रेडिएशन पूरे अर्थ पर एक समान नहीं है, और अब तक हम ये भी जान चुके हैं कि वार्म एयर कंटेन करती है मॉइस्चर जबकि कोल्ड एयर ड्राई होती है। अब ऐसा रीजन जहां वार्म एयर कोल्ड एयर से मीट करती है उसे कहा जाता है फ्रंट, कुछ इस तरह। बट ये मिक्स नहीं होती है क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वार्म एयर लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज करती है जबकि कोल्ड एयर हैवी और ड्राई होने की वजह से नीचे की तरफ सिंक करती है। अब क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर लो होता है इसीलिए वार्म एयर जो ऊपर की तरफ राइज होती है उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है जिससे वार्म एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर कंडेंस होने लगता है और फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, जिसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। तो बेसिकली साइक्लोनिक रेनफॉल तब होता है जब डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास मीट करते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।